एवरीवन, वेलकम टू बैक माय अंदर वीडियो। जैसा कि दोस्तों मैं आपको पिछले वीडियो में बताया था कि हाउ टू मेक एक्सपेरिमेंटल फैक्ट वीडियो एंड हाउ टू मेक थंबनेल लाइक एक्सपेरिमेंटल फैक्ट वीडियो, ठीक है। इतना चीज आपको पिछले वीडियो में बताया था और आज की वीडियो में बताऊंगा कि हाउ टू मेक स्टोरी वाला वीडियो, ठीक है। आपकी स्टोरी वाला वीडियो कैसे बनाएंगे और यूट्यूब पे अपना चैनल ग्रो कैसे करेंगे। अगर स्टोरी वाला वीडियो बनाते हैं तो आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ कि स्टोरी वाला वीडियो कितनी तेजी से वायरल होता है। अगर नहीं यकीन होता सुन लीजिए कैसे होता है वायरल। देखिए, स्टोरी वाला जो होता है, स्टोरी जब शॉर्ट सेक्शन में ज्यादा लोग देखते हैं तो उन सब में क्यूरियोसिटी रहती है कि जानने की इच्छा रहती है कि स्टोरी में क्या है। तो स्टोरी को यानी कि शॉर्ट सेक्शन में फुल वीडियो को देखते हैं, इसलिए यूट्यूब का एंगेजिंग बढ़ जाता है। उसके बाद यूट्यूब समझता है, हाँ, इस वीडियो में दम है भैया। तो उसके बाद उस वीडियो को बहुत लोगों तक पहुँचाता है, उसको हम वायरल कहते हैं। इसलिए वीडियो को वायरल हो जाता है स्टोरी वाला वीडियो। तो ये वही बताऊंगा कि पांच ऐसे टिप दूंगा जो आपको दिमाग में आइडिया भर देगा कि स्टोरी वाला वीडियो कैसे बनाते हैं, ठीक है। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं विदाउट एनी डिले, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो फ्रेंड्स, आपको सबसे पहले क्या करना है, इंस्टाग्राम को एप्लीकेशन को ओपन करना है। फर्स्ट टिप यही है, ठीक है। इंस्टाग्राम एप्लीकेशन को ओपन करना है, उसके बाद सर्च बार में क्लिक करना है। वहाँ पे जितने भी सारे जीके के क्वेश्चन के पेजेस हैं, जितने भी जीके क्वेश्चन के पेजेस हैं, आपको जीके वाले क्वेश्चन के पेजेस आपको फॉलो कर लेना है। उसके बाद कोई भी पेज मिले, जस्ट आपको क्वेश्चन को ही स्टोरी बनाना है। कैसे नहीं बताना, तो मैं किस लिए हूँ आपको बताने के लिए, ठीक है। तो उसको क्वेश्चन को स्टोरी कैसे बनाएंगे, तो ध्यान से सुन, दिमाग लगाएंगे, आपका दिमाग है ना, यही आपका दिमाग स्टोरी बनाएगा, तो ध्यान सुनिएगा, ठीक है। स्टोरी बनाने के लिए आपको क्या करना होगा, दिमाग का थोड़ा क्रिएटिव बनाना पड़ेगा। क्रिएटिव बनाने के लिए थोड़ा ध्यान से सुनिए, ध्यान से मैं आप कह रहा हूँ, ठीक है। देखो, सबसे पहले जैसे कि मेरे पास एक क्वेश्चन है कि वह कौन सा चीज़ है जो डूबते हुए सब लोग देखते हैं लेकिन उसे बचाने कोई नहीं जाता है, ठीक है। तो उसको हमको स्टोरी में कन्वर्ट करना है, कैसे करेंगे, तो ध्यान सुनो। तो ऐसे कन्वर्ट करेंगे, मैं जैसे कन्वर्ट करके दिखाता हूँ एग्जांपल के तौर पे आपको। कि दोस्तों, एक बार एक बूढ़ा आदमी जा रहा था, उसके बाद बच्चे पढ़ रहे थे। उसके बाद बच्चों से बूढ़ा आदमी क्वेश्चन करता है, क्वेश्चन पूछता है, चलो बच्चों बताओ कि ऐसा कौन सा चीज है जो डूबते हुए सब लोग देखते हैं लेकिन उसे बचाने कोई नहीं जाता है। तो वहां के 99% बच्चों ने जवाब नहीं दे पाया, फेल हो गए। उसके बाद वहां से एक बच्चा क्वेश्चन मतलब कहता है, ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, क्योंकि वो सूरज है, यानी कि सूरज को डूबते हुए सब देखते हैं लेकिन बचाने कोई नहीं आता है, ठीक है। इस प्रकार से आप स्टोरी क्रिएट कर सकते हैं। और सेकंड क्वेश्चन कैसे क्रिएट करना है, सेकंड आइडिया दे देता हूँ ताकि आपके दिमाग में आइडिया बढ़ जाए, कि कभी आपके दिमाग में आइडिया ऐसे ना खत्म ना हो, कि आइडिया आपके दिमाग में चलता रहे, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन बताता हूँ कि सेकंड क्वेश्चन ये है कि एक आदमी बिना सोए 8 दिन तक कैसे रह सकता है। तो इसको आपको स्टोरी में कैसे कन्वर्ट करना है, तो ध्यान सुनो, इसको स्टोरी में कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है, कैसे करना है, तो इस प्रकार से करना है कि एक बूढ़ा आदमी जा रहा था, उसके बाद बच्चों से सवाल करता है, पूछता है कि चलो बच्चों बताओ कि एक आदमी बिना सोए 8 दिन तक कैसे रह सकता है। तो वहाँ के 99% बच्चे ने फेल हो गए, कहा कि ये तो इम्पॉसिबल है, बिना कोई सोए 8 दिन तक आदमी नहीं रह सकते, वो इम्पॉसिबल है, मर जाएगा। तो वहाँ के एक बच्चा कहता है, ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, क्योंकि वो आदमी जो है रात में सोता था, इसलिए वो 8 दिन तक जीवित रह सकता है बिना सोए, तो ठीक है। इस प्रकार से आप क्वेश्चन क्रिएट कर रहे हैं, उनकी स्टोरी क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। और सेकंड चीज आपको बता रहा हूँ कि डेली हंट, ठीक है, डेली हंट सेकंड टिप है। डेली हंट एक ऐप आता है, उसको न्यूज उसमें रहता है, सब डेली न्यूज आता है, तो वहां से न्यूज आपको कलेक्ट करना है, ठीक है। आपको नोटिफिकेशन का उसका ऑन करना है, जब भी न्यूज आए अच्छा सा उसपे एक वीडियो बना देना है स्टोरी में। जैसे कि मैं इस प्रकार मैं डाउनलोड किया जब डेली हंट, तो उसके बाद मेरे पास कुछ दिन के बाद नोटिफिकेशन आया कि एक आदमी कर्मचारी बैठ के आगे यानी कि हाथ सेक रहा था, उसके बाद उसके डॉक्यूमेंट फाइल और जो यानी कि सीक्रेट फाइल है, डॉक्यूमेंट फाइल उसका एक बकरी लेके भाग गई, चबाते हुए भाग गई। आप यहाँ पे वीडियो भी देख सकते हैं उसका, मैं वहाँ पे फाइंड कर लिया था, ठीक है। जैसे नोटिफिकेशन आया देखा, ये तो कमाल की चीज़ है, एक कर्मचारी का बकरी फाइल अर्जेंट फाइल जो है कार्ड लेके भाग रही है, कार्ड दे रही, बहुत ही अर्जेंट फाइल।
इस प्रकार से आप सेकंड चीज बना सकते हैं डेली हंट ऐप का यूज करके। ठीक है, थर्ड टिप क्या आते हैं, थर्ड टिप है आपको यूट्यूब। जी हाँ, यूट्यूब से आप बहुत ही अच्छा अच्छा स्टोरी फाइंड कर सकते हैं। कैसे, तो मैं आपको बताता हूँ। स्टोरी आपको फाइंड करने के लिए यूट्यूब से क्या करना होगा, जितने भी सारे मोटिवेशनल स्पीकर हैं, एक मोटिवेशनल चैनल है जैसे कि लाइक डॉक्टर बिंद्रा हो गए, संदीप महेश्वरी सर हो गए, उसके बाद कूल मित्र हो गए, उज्जवल पौडनी सर हो गए, उसके गेट सेट फ्लाई फैक्ट हो गए, और द विल पावर हो गए, जीत फिक्स हो गए, और बहुत सारे चैनल है यार, मैं नाम नहीं लिख पाऊंगा, इतने सारे चैनल हैं मोटिवेशनल के। तो आपको वहाँ को सारे चैनल को एक बार सब्सक्राइब करके रख देना है। तो आप कहोगे यार उसमें कैसे स्टोरी मिलेगा, अरे यार मैं किस लिए बताता हूँ ना, थोड़ा सब्र करो। ठीक है, सब्र का फल मीठा होता है। तो उसमें स्टोरी आपको कैसे मिलेगा, ऐसे मिलेगा कि जितने कभी कभी वो मोटिवेशनल स्पीकर मोटिवेट करते करते वक्त मोटिवेशनल स्टोरी भी बताते हैं, स्टोरी भी बताते हैं। जैसे कि मैं दीपक दया मोटिवेशन चैनल, वो भी है दीपक दया भैया का, मैं एक वीडियो देख रहा था, अभी मुझे एक स्टोरी अच्छा लगा, तो वहां से मैंने स्क्रीन रिकॉर्ड करके उसको रिकॉर्ड कर लिया। यहाँ भी आप देख सकते हैं इस प्रकार से, एक बार देखिए इसको, कितना अच्छा अच्छा स्टोरी यूट्यूब चैनल से मिलता है। इस प्रकार से देखिए जा रहे थे, तभी रास्ते में उन्हें और उनके संतों को छोटे छोटे गड्ढे खुदे हुए दिखाई दिए। उन गड्ढों को देखकर सारे संत चुप रहे, लेकिन उनमें से किसी एक संत से रहा नहीं गया और उसने भगवान बुद्ध से पूछ ही लिया कि स्वामी जी रास्ते में इतने गड्ढे क्यों हैं, इसका क्या कारण है और किसने किए इतने गड्ढे। तभी भगवान बुद्ध ने मुस्कुराते हुए उस संत को जवाब दिया कि कोई व्यक्ति यहाँ पर पानी की तलाश में आया था और जब उसे एक जगह पानी नहीं मिला तो उसने दूसरी जगह गड्ढा खोद दिया और जब उसे दूसरी जगह पानी नहीं मिला तो उसने तीसरी जगह गड्ढा खोद दिया और ऐसे करते करते उसने कई सारे गड्ढे खोद दिए। अगर वो अलग अलग गड्ढे खोदने की बजाय अपनी सारी ऊर्जा एक जगह पर लगाता तो शायद उसे पानी मिल जाता। और इसलिए ये कहा जाता है कि अलग अलग जगह अपनी ऊर्जा मत लगाओ, अपनी पूरी ऊर्जा सिर्फ एक लक्ष्य पर रखो। अलग अलग जगह पर ध्यान लगाओगे तो तुम्हें किसी भी जगह पर कुछ भी हासिल नहीं होगा, धोबी के कुत्ते जैसी हालत हो जाएगी, ना घर का ना घाट का। तो ये थी। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से आप YouTube से भी कर सकते हो। और YouTube में सेकंड चीज आपको बता रहा हूँ कि YouTube में जितने सारे स्टोरी के चैनल हैं किड्स वाले यानी कि बच्चों वाले, उसको भी सब्सक्राइब करके रख लेना, उसमें से बहुत ही अच्छा अच्छा स्टोरी आप फाइंड कर सकते हो। जी हाँ, बहुत ही अच्छा अच्छा उसमें से स्टोरी फाइंड कर सकते हो, फाइंड करके अपने चैनल पे अपलोड कर सकते हो, एक अच्छा सा स्क्रिप्ट लिख करके उसके अपलोड कर सकते हो। जितने भी सारे यूट्यूब पे आपको स्टोरी मिले उसका स्क्रीन रिकॉर्ड करके, आपको स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन करके उसको रिकॉर्ड कर लेना है, उसके बाद एक मिनट में यानी कि एक मिनट में एक अच्छा सा स्क्रिप्ट लिखना है। अगर स्क्रिप्ट नहीं लिख रहे हैं तो मैं आई बटन पे उसका लिंक दे दी, वहाँ पे क्लिक करके आप देख लीजिएगा। ठीक है, अच्छा से स्क्रिप्ट लिख करके उसको भी वीडियो बना सकते हो, बहुत अच्छा चीज़ है। ठीक है, अब आते हैं हम लोग फोर्थ टिप की तरफ। ठीक है, फोर्थ टिप ये है कि आपको एक एप्लीकेशन है, ठीक है, मैं उसका एप्लीकेशन का आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छा अच्छा स्टोरी, उसको अपने दिमाग से एक अच्छा सा यानी कि ट्रिम ट्रिम कर करके एक अच्छा से स्क्रिप्ट लिख करके उस पर वीडियो बना देना है। उस एप्लीकेशन का नाम है मोरल स्टोरी। ठीक है, बहुत ही अच्छा एप्लीकेशन है, उसका जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, अब आते हैं फिफ्थ टिप की तरफ। फिफ्थ टिप ये है कि गूगल, ठीक है, गूगल एक ऐसा सर्च इंजन है जहाँ ए टू जेड कुछ भी मिल जाएगा गूगल पे, तो वहाँ पे गूगल पे भी फाइंड कर सकते हैं बहुत ही अच्छा अच्छा स्टोरी। ठीक है, बहुत ही अच्छा अच्छा स्टोरी फाइंड कर सकते हैं। फिफ्थ टिप ए था, आपको फिनिश होगा फिफ्थ टिप। और नेक्स्ट वीडियो जो बनाऊंगा, ठीक है, स्टोरी वाली वीडियो पे बनाऊंगा, पूरी डिटेल में बनाऊंगा स्टोरी वाला वीडियो कैसे बनाते हैं, गजब दिमाग लगाने वाला, जैसे कि आप आकाश परिवर हो गए और सारे हो गए, आप हिंदी हो गए, बहुत इतना अच्छा अच्छा जो मिलियन में व्यूज आता है, जिसमें 50-60 मिलियन 100 मिलियन जाता है व्यूज मिलियन में। ठीक है, उस पर भी मैं वीडियो बनाने वाला हूँ, थोड़ा इंतजार करो, मैं सर्च कर रहा हूँ, मैं ढूंढ रहा हूँ कि कैसे बनाते हैं वाला। ठीक है, थोड़ा उसको जोश में करो, उसमें भी बताऊंगा कैसे कैसे अच्छे अच्छे स्टोरी कैसे क्रिएट करते हैं, कैसे बनाते हैं। ठीक है, एकदम डिटेल में बताऊंगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो की इंफॉर्मेटिव आपके दिमाग का ढक्कन खुला हो, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, मुझे मोटिवेट कीजिएगा ताकि मैं नेक्स्ट वाला वीडियो बहुत ही अच्छा बेहतरीन बना पाऊँ। मोटिवेट जरूर कीजिए लाइक करके, और मेरे चैनल पर नया चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपको फैक्ट वीडियो एडिट नहीं करने आता है तो इस वीडियो पे क्लिक करके देख लीजिए, अगर आपको स्क्रिप्ट लिखना नहीं आता इस वीडियो पे क्लिक करके देख लीजिए, इस प्रकार से होता है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद।